एक कफ़न चोर का अजीब वाक्या एक दफ़ा हजरत अली रज़ी व आलिहि वसल्लम की खिदमत में पेश होने जा रहे थे के रास्ते में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र एक शख़्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था हज़रत अली शेर ख़ुदा ने उस बंदे से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि मैं बहुत ही बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ मुझे अल्लाह ताला के अजाब से डर लगता है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ आप हजूर अक्रम सम की ख़िदमत में मेरी मुआफ़ी की सिफ़ारिश फरमा दें अली शेर ख़ुदा रजील् तैन उस शख़्स को साथ लेकर हज़ूर महमद सल्ला वसम की बारगाह में पेश हुए जब हजरत अली रजी अल्लाह तआन्हो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि के सामने गए तो हजरत अली ज़ारो क़तार रो रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने دریافت फरमाया, ए अली आप क्यों रो रहे हो हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआन्हो ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि मैं आपके पास आ ही रहा था के रास्ते में एक शख्स को बहुत ही ज़्यादा रोते हुए देखा तो उस शख़्स की हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया हज़रत मोहम्मद सल्ला वसम ने पूछा वो शख्स कहाँ है आप रजी ताला ने अर्ज़ किया यार सोलोली सल्ला वम वो शख़्स बाहर खड़ा है हज़ूर अक्रम सल्ला वसम ने उस शख़्स को अंदर आने की इजाज़त दी तो वह बंदा आप अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर इतना रोया इतना रोया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से पूछा ऐ नौजवान क्या हुआ है तुम इतना क्यों रो रहे हो उसने जवाब दिया या रसूल्ला मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुझे ये बताओ कि तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है उस बंदे ने अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुनाह बड़ा है फिर आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है कि खुदा की कुदरत बड़ी उसने अर्ज़ किया या रसूल अलैहि वसल्लम मेरा गुनाह बड़ा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या तूने शिर्क का इरतक किया है बंदे ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वल्म मैंने शिरक का अरतक नहीं किया ज़ुरम सल्ला वसलम ने फ़रमाया क्या तूने किसी बंदे का कत्ल किया है उसने कहा ऐ अल्लाह के नबी मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया ज़ुरुक्रम सम ने फरमाया कि फिर तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो फिर उस शख़्स ने अपना सारा क़िस्सा सुनाया उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं कई सालों से कफ़न चोरी कर रहा हूँ मैं मुर्दों के कफ़न चोरी करके इनको फ़रोख्त किया करता था उससे जो आमदनी होती थी उससे अपना पेट पालता था फिर कहने लगा कि कुछ दिन पहले एक लड़की दफ़न की गई मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसका कफ़न उतारा और वहाँ से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया उसने मेरी नीयत बदल दी मैंने उस लड़की के साथ जना किया जब मैं जना करके उठने लगा तो मैंने एक आवाज़ सुनी कि जैसे वो लड़की बोल रही है ऐ बदबخت बंदे तूने मुझे मर्दों के दरमियान नंगा किया है तू कल क्यामद के दिन बदकारों और जानियों में तेरा शुमार होगा अल्लाह तुझे भी सबके सामने नंगा करेगा वो शख्स कहने लगा कि इस लड़की की आवाज़ का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि अब मुझे अपने आप पर अल्लाह ताला का गज़ब महसूस होता है मैं खुदा की पकड़ में हूँ जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का सारा किस्सा सुना तो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखें नम हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने वाकई बहुत ही बड़ा गुनाह किया है हजूर नबी करीम सलील वसम की ज़ुबान मुबारक से जब यह अल्फाज निकले कि यह बहुत ही बड़ा गुनाह है तो वह शख़्स रोता हुआ बाहर निकल गया उसने सोचा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बहुत ही नाराज़ हैं ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मज़ीद सबब बन जाए वहाँ से निकलकर वो शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ चला गया वो शख़्स कई रोज़ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा उसको हर वक्त आवाज़ सुनाई देती थी वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा जब वो शख़्स कई रोज़ माफ़ी मांगता रहा तो खुदा ने उस बंदे की तोबा क़बूल फ़रमाई अल्लाह ताला के केक्म से हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम हजर अकरम सलील्ह के पास तशरीफ़ लाए और सलाम पेश किया। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्ला वम अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मखलूक को पैदा करने वाला रिस्क देने वाला और अपनी मखलूक को माफ़ करने वाला भी मैं ही हूँ तो हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि मैंने इस नौजवान की तोबा कबूल फ़रमा ली है मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है फिर अल्लाह के रसूल वसल्लम ने एक सहाबी को उस शख़्स के पास भेजा कि इस शख़्स के पास जाकर इसको ये बताओ कि अल्लाह ताला ने तेरी तोबा कबूल फरमा ली है अल्लाह ताला ने तेरे सब गुनाहों को माफ कर दिया है अल्लाह बेशक अल्लाह ताला रहमान और रहीम है अगर आपको ये मालूमती वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल प्रोफेशनल स्टोरी फोर वन टू वन को सब्सक्राइब करें